हाँ तो यार दोस्तों, आप उधर देख सकते हैं हमारे पास है बहुत सारा पानी जो कि ऊपर से एकदम साफ और सुथरा नजर आता है, और इसे देखकर सीधे ही पीने का मन करता है। मगर आपको क्या पता है इसके पेंदे के अंदर क्या है और कौन से जानवर रहते हैं या कौन से जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे वो रहते हैं? तो यही जानने के लिए आज हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। हमारे पास है GoPro का Hero 7 जो कि इस पानी के अंदर जाने वाला है। मैं इसको क्या करूंगा, इसको ऑन कर दूंगा, इसको रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूंगा और इसको सीधे ही पानी में फेंक दूंगा और फिर देखते हैं कि इस तालाब के पेंदे के अंदर क्या राज निकलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। This is the future. हाँ तो दोस्तों, इस GoPro को पानी के अंदर फेंकने से पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ ताकि आपको जो नज़ारे हैं वो आसानी से दिख जाए। और हमने एक मजबूत और लंबी रस्सी से इसको अटैच भी कर लिया ताकि हम इसको आसानी से निकाल भी पाएं। ये ऑन नहीं हो गया, हम देख सकते हैं GoPro का Hero 7 है जो कि अभी ऑन हो रहा है और ये पूरी तरीके से ऑन हो गया। तो चलिए, इसका कैमरा भी ऑन हो चुका है और अब मैं इसको सीधा ही फेंक देता हूँ। मगर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं चालू कर देता हूँ। रेडी? तो रेडी, अब मैं फेंक देता हूँ। तो रेडी, अब मैं फेंक देता हूँ। काफी दूर गया। धीरे धीरे खींचना, आप अंदर के नजारे दिखने चाहिए। ठीक है, चला गया होगा पेंदे तक। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कैमरा कुछ इस प्रकार से बाहर आया है और इसके अंदर 2 मिनट और 27 सेकंड की कुछ रिकॉर्डिंग हुई है और पानी के अंदर ये पता नहीं क्या चीज़ होती है वो भी इसके साथ अलग कर आई है। अब आपने नज़ारे तो देख लिए होंगे कि किस प्रकार से होते हैं इसके नज़ारे। अगर वीडियो में जरा सा भी मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके लिए भी एक लाइक जरूर बनता है।